Okay. La escucha clear. तो दूसरा कोई लव अच्छा नहीं लगेगा। ये बाबा भी कहते हैं और अनुभव भी कहता है। बस एक बात है, परमात्मा के लव को जानने के लिए संकल्पों से परे के सत्य को जानना होगा। इसीलिए बाबा हमें स्क्रिप्टेड माइंड का ज्ञान देते हैं। फिक्स्ड स्क्रिप्ट का ज्ञान देते हैं।
क्योंकि जब फिक्स्ड स्क्रिप्ट का ज्ञान नहीं था तो मन की हर सोच, हर संकल्प और उसका असर देह की हर सेंसेशन पर ये मन की आवाज बहुत अपनी लगती थी। ऐसे लगता था जैसे मैं ही ये संकल्प क्रिएट करती हूं, ये मेरी ही आवाज है, गूंजती है जैसे मन में। जो भी संकल्प कहते, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मुझे ये डर है ये ना हो जाए, मैं और मेरा जीवन मेरे घर वाले मेरा परिवार जैसे कि ये संकल्प मेरी आवाज हो, जैसे कि उसे अवेयरनेस ने चूज किया। पर जब बाबा ने ये ज्ञान दिया, फिक्स्ड स्क्रिप्ट है बच्ची, स्क्रिप्ट किस रूप में आती है? जो संकल्प और इमेजेस और आइडियाज के रूप में आती है। तुमने चूज नहीं किए हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। फिक्स्ड स्क्रिप्ट है। उसकी आवाज का विश्वास नहीं करना, संकल्पों की आवाज का विश्वास नहीं करना। आएंगे जाएंगे, कुछ कहेंगे,
ऐसा लगेगा जैसे जो वो कह रहे हैं वो ही सत्य है। और बाबा ने इतना ब्यूटीफुली समझाया है, ये तुम्हारी आवाज नहीं, आत्मा की कोई आवाज नहीं होती। साइलेंट प्रेजेंस है आत्मा। संकल्पों को रोकना नहीं है, नकारना नहीं है, दबाना नहीं है, चेंज भी नहीं करना है। विरोध भी नहीं, लड़ाई भी नहीं, उनका काम है आना और जाना। बस अपने अटेंशन को उनसे हटाना या दूसरे शब्दों में रिलैक्स कर लेना अपनी तरफ। मैं कौन हूं जिसके अंदर ये सब स्क्रिप्टेड संकल्प आते हैं और जाते हैं? मेरा नेचर क्या है? बहुत धैर्यता से होता है ये। पूरा इंटरेस्ट, मैं कौन जिसके अंदर ये स्क्रिप्टेड माइंड की एक्टिविटी चलती है? क्या अवेयरनेस को बोलना आता है? आवाज है उसकी? क्या अवेयरनेस अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन कुछ भी जानती है? नो।
जब तक ये फाउंडेशन क्लियर नहीं है, कि साइलेंट प्रेजेंस अपने मन की आवाज नहीं है, ये डायलॉग नहीं है, मैं मन की आवाज नहीं हूं, मैं थॉट्स नहीं हूं, मैं फीलिंग्स नहीं हूं, वो भी थॉट्स मैं नहीं हूं जो ये बोल रहे हैं, उनको भी देखने वाले, देख के अनदेखा, इंटरेस्ट सिर्फ अपने सत्य में, साइलेंट प्रेजेंस। फिर बाबा का लव नेचुरल लगेगा, कभी कहीं गया ही नहीं था, हमेशा ही था और हमेशा ही रहेगा। बर्थ राइट महसूस होगा। और आप बाबा के साथ जब अपना साइलेंट प्रेजेंस का सत्य की शब्द मुझे डिफाइन नहीं कर सकते, इमेजेस मुझे डिफाइन नहीं कर सकती,
चेंजिंग सेंसेशंस मुझे डिफाइन नहीं कर सकती, और शरीरी आत्मा को ये क्लियरली देखें। और शरीरी मतलब शरीर नहीं, तो फिर सेंसेशंस जो कि शरीर को डिफाइन करती, वो आप कैसे हो सकते हो? और शरीरी आत्मा सेंसेशंस कैसे हो सकती है? निर्संकल्प आत्मा संकल्प कैसे हो सकती है? सिर्फ अपने थॉट्स का विश्वास कर लेते हो, वो जो कहानियां बोलता उसको अपनी कहानी समझने लग जाते हो। इसीलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं, बच्ची फिक्स्ड स्क्रिप्ट है, छोड़ो, मेरे में इंटरेस्ट। ओनली देन, तभी संकल्प तुम्हारे सेवाधारी होंगे और तुम संकल्पों की गुलाम नहीं होगी।
इसीलिए कभी भी अपने अटेंशन को मन की आवाज में फंसा हुआ देखो, तो पहले अपने अटेंशन को रिलैक्स करना अपनी देह में, देह की सेंसेशंस में। ये सब मैं बाबा के साथ देख रही हूं, और शरीरी निर्संकल्प आत्मा। कभी श्वास बहुत भारी हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है। इंटेंस सेंसेशंस महसूस हो सकती है। इट्स ओके। घबराहट हो सकती है सेंसेशंस में। साक्षी, इजी होता है पहले संकल्प से सेंसेशंस तक अटेंशन को लाना। श्वास भी तेज या धीरे हो सकती है। कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ देखना है ये एक्टिविटी। माइंड बॉडी की संकल्प से हटाई, सेंसेशंस पर लाई। बाबा और मैं ये कर रहे हैं साथ में। देखा, बॉडी भी सिर्फ सेंसेशंस हैं। लेबल नहीं लगाना। और मैं कौन जो सब को अनुभव करती हूं? हर सेंसेशन में मैं प्रेजेंट हूं। हर संकल्प मेरे द्वारा ही एग्जिस्ट कर सकता है, पर मैं आत्मा अनटच्ड। इंटरेस्ट आत्मा में और अवेयरनेस का इंटरेस्ट बाबा में। बाकी चल रहा है। सेंसेशंस भी हैं, संकल्प है या नहीं है डजेंट मैटर। इंटरेस्ट कैसे देख रहा है मुझे? क्या मेरी पहचान बना रहा है मन की आवाज से? नहीं, फिक्स्ड स्क्रिप्ट। सेंसेशंस? नो। शरीरी है आत्मा, दम न्यारी, बाबा की प्यारी। हर अनुभव को जान देने वाली, खुद अनुभवों से न्यारी।
लेबल फ्री। डिस्क्रिप्शन फ्री। भाषा फ्री। प्योर साइलेंस। सब सेंसेशंस को महसूस कर रही है पर खुद सेंसेशन फ्री। एकदम संकल्प फ्री। कोई भी संकल्प आओ जाओ है ही नहीं मेरे, सोचना ही नहीं आता। एकदम मुक्त। तो अपनी एकदम सूक्ष्म रियलिटी संकल्पों से परे का सत्य। तुम साइलेंट। ओम साइलेंस। मन चुप नहीं होगा, वो बोलता रहेगा। आत्मा का साइलेंस। मन को चुप करना हमारा उद्देश्य नहीं है, नहीं उसको चेंज और फिक्स करने का उद्देश्य है हमारा। बस उससे बेहद का वैराग्य, क्योंकि बाबा के प्यार में इतना इंटरेस्ट और बाबा का प्यार साइलेंट लव है। एवर प्रेजेंट लव है।
मन के संकल्पों के सपोर्ट और आधार की जरूरत नहीं। जस्ट बाबा और मैं आत्मा, कोई शब्द नहीं। ना कोई इमेज की जरूरत, मन अगर साइड में बैठ के इमेजेस दे रहा है, शब्द बोल रहा है, बोलने दो, देने दो। उसे शब्द और इमेजेस की भाषा समझता है। जैसे कि वो फोटो निकाल रहा है। हमारे इमेजलेस साथ की, टुगेदरनेस की, बाबा और मैं, मन को फोटो खींचनी है, खींचने दो। कविता लिखनी है, उसको लिखने दो। और बाबा और मेरे साथ को किसी इमेज, किसी शब्द के आधार की जरूरत नहीं। यह अनादि अनंत प्रेम है, अनहद नाद है। जैसे पापा और मैं एक हो गए हूं, और ये मैं हद का मैं नहीं, इसमें सर्व आत्माएं एक साथ हैं। कि कोई भी आत्मा को देह की जरूरत नहीं, शब्दों की जरूरत नहीं। हमें एक दूसरे से
डीपली इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे बाबा से कभी अलग नहीं हुई। किसी आत्मा से कभी अलग नहीं हुई। हमारे बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई स्पेस नहीं, क्योंकि थॉट ही नहीं है। मन पीछे बोले भले ही थॉट्स, पर वो हमारे नहीं है। सब एक साथ, हमेशा, हर पल। थॉट्स और इमेजेस नहीं तो हमें अलग किया था। उनसे पहचान बनाकर हम सब जैसे बाबा के साथ एक एक शब्द जो बोला जा रहा है सिर्फ पॉइंटर है, पॉइंटर। पीछे के भाव को समझे, शब्दों को ना पकड़े। तो टाइमलेस लव महसूस होगा। बाबा को दिख रहा है इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट। सभी आत्माओं के बीच में बस यही तो सत्य है। मन चाहे कोई भी कहानियां बना रहा हो किसी के भी पार्ट के बारे में, मतलब ही नहीं, क्योंकि सत्य तो सिर्फ ये चेंजलेस इंटरकनेक्टेडनेस है। दस मिनट बिल्कुल साइलेंस। मन चुप नहीं होगा और न ही उसको चुप करना है, पर इंटरेस्ट और अटेंशन इस संकल्प और इमेजेस के परे के सत्य में हो।
मन चाहे फोटो खींचता रहेगा, खींचने दो, पर अनादि अनंत सत्य पे अटेंशन। हो सकता है मन कविताएं लिख रहा हो, बहुत सुंदर सुंदर संकल्प क्रिएट कर रहा हो, करने दो। आप निरसंकल्प बाबा के साथ सर्वात्माएं, इतना क्लोज कनेक्शन। वही फीलिंग्स भी हो सकता है ऊपर आए। कई तरह के पुराने संस्कार, सोचने के तरीके ऊपर आए। आने दो।
बाबा के साथ। देखो, आपका सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता। ना कोई आवाज छू सकती, ना कोई सेंसेशन छू सकती। अपने साइलेंट स्वरूप को जाने, जिसको कोई संकल्प छू नहीं सकता। कोई संकल्प आपकी साइलेंट ब्यूटी को बढ़ा नहीं सकता, घटा नहीं सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बाबा और आत्मा के बीच में डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकता कोई भी संकल्प और सेंसेशन। ये सत्य को जाना जाता है। सीन्स बदलेंगे, सेंसेशंस बदलेंगी, संकल्प बदलेंगे, पर उन सबके पीछे मैं चेंजलेसली, अनडिस्टर्ब्ड, एवर प्रेजेंट पीसफुल बीइंग हूँ। कंबाइंड विद बाबा, उसकी क्वालिटीज मेरी क्वालिटी शब्दों में भी आएंगे, ऐसा अपीयर होगा कि बॉडी भी मूव हो रही है। अपीयरेंस है ये सब, शब्द साउंड वेव्स हैं। सब कुछ पूरे अपीयरेंस में मैं साइलेंट और स्टिल हूं इटर्निटी में।
साइलेंस में रहते हुए शब्दों में आएंगे, स्टिलनेस को जानते हुए एक्शन में आएंगे। कितना भी फास्ट एक्शन हो, मेरी स्टिलनेस डिस्टर्ब नहीं हो सकती। कितने भी शब्द जो जरूरी हैं बोले जा रहे हैं, मेरी साइलेंस डिस्टर्ब नहीं होती। अनडिस्टर्ब्ड, निरसंकल्प, संकल्पों से परे का साइलेंस।